रामकृष्ण फोर्जिंग्स के ईडी और सीएफओ खेतान साहब, नमस्कार। आपने भी काफी फैसिलिटीज अपनी ऐड की थी लास्ट 2-3 साल में, कोविड के बावजूद आपने कैपेसिटी एडिशन किया था, तो अब धीरे धीरे वो कैपेसिटी एडिशन वापस आ रहा है। आप मुझे बताएं कि आपके डोमेस्टिक क्लाइंट्स और ओवरसीज क्लाइंट्स दोनों से आपकी कैसी बातचीत हो रही है डिमांड और ऑर्डर फ्लो पे, क्योंकि एक तरफ तो क्लास 8 एक्शन ट्रक्स का काफ़ी अच्छा डेटा आया, बट थोड़ी सी नर्वसनेस ये है कि शायद अगर US स्लो डाउन करेगा तो आपको ओवरसीज ऑर्डर्स थोड़ी सी आँच आ सकती है, ये बताएं। देखिए, डेटा तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा आया है और जो स्लो डाउन का फियर है वो काफ़ी समय से चल रहा है और आज से नहीं 3-4 महीने से चल रहा है, क्योंकि फेड की जो रेट बढ़ रही है उससे हर लोगों को अंदेशा था कि स्लो डाउन आएगा, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी स्थिति अभी तक नहीं है। और ग्राउंड पे ऐसी और जो OEM से संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो हमें नहीं लगता है कि अभी स्लो डाउन आना चाहिए या रिसेशन आना चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन ओवरसीज एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी लग रही है हमको। ठीक है ललित जी, एक चीज बताइए, आपके जो क्लाइंटेल है ना उसमें मैं इंडियन रेलवेज का नाम भी देख रहा हूँ कि उसमें इंडियन रेलवेज भी है, इससे कितना बड़ा हिस्सा मिलता है? और जो रेलवेज अब बहुत पैसा खर्च कर रही है अपने कैपेक्स पे, अपने एक्सपेंशन पे, तो वहाँ से आपको कितना बेनिफिट आता है, अगर कुछ आइडिया आप इसका मेरे को दे पाए तो? खाली रेलवे रेलवेज का रेलवे में हमारी सेल देखिए पिछले 2 सालों में कोई विशेष नहीं थी, हमने एक्सपेंशन भी किया था रेलवे के प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन इस साल में रेलवे काफी अच्छा प्रोक्योरमेंट कर रही है और सेल्स में काफी इजाफा आने की उम्मीद है। तो हम पिछले साल तक करीब 2% अपनी सेल्स का कर रहे थे रेलवे को, लेकिन ये आगे 4-5% चला जाएगा इस साल में। राइट, एक और चीज ललित जी समझना चाहेंगे कि आप इस क्वार्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, उससे किस तरह के ऑर्डर्स इंटैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बोले, आपका लगभग 3% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ईवीआई से आता है, क्या यही इसकी रेवेन्यू गाइडेंस रहेगी, इतना पोर्शन साइज ही रहेगा, या आपको लगता है ये बड़ा भी है? देखिए, इस क्वार्टर में तो जो हमने पिछले साल जो गाइडेंस दिया था करीब 3% का वही रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे साल के लिए हमारा गाइडेंस जो आने वाले साल के लिए 6% तक का है, और ये ग्रोथ आएगी विद द ग्रोथ जो ईवी सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, जो हमारे OEMs हमारे नए नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और उसके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से अगले साल तक करीब हमारा 6% सेल्स हो जाएगा ईवी कंपोनेंट का टोटल सेल्स में। किसान साहब, मार्जिन की सिचुएशन क्या है जरा ये आप बताएंगे, फिर मेरे पास एक और पॉइंट है पूछने के लिए, पहले आप मेरे को जरा पहले मार्जिन्स बता दीजिए अपने। सर, मार्जिन्स में ऐसा है कि हम जो मार्जिन्स अभी मेंटेन कर रहे हैं हम उस मार्जिन्स पे रहेंगे और कोशिश करेंगे उस पे इंप्रूव करने की। कॉस्ट प्रेशर जरूर है लेकिन उसके साइमल्टेनियसली हम लोग काम करते रहते हैं एफिशिएंसी पे भी, कॉस्ट इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं और कोशिश यही जारी रहेगी कि हम मार्जिन्स को इम्प्रूव करें यहाँ से। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट आपको आपके एक्सपोर्ट्स वाले एरिया से आ सकती है कि सर ज़्यादा? मैं उसकी वजह पूछ रहा हूँ क्योंकि 40% नियर अबाउट आपके टोटल बैलेंस शीट का एक्सपोर्ट है और सोने पे सुहागा यह है कि रुपया वीक है, 82 रुपये का हो गया सर रुपया डॉलर के मुकाबले अब। या इसका देखिए रुपये का एक मार्जिनल फायदा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए रुपया भी पास थ्रू है ऊपर और नीचे एक सर्टेन परसेंटेज के बाद, तो निश्चित रूप से अभी जो रुपया बढ़ा है तो उसका थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा हमें। और ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल देखिए एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं एंड ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट अच्छा करता है तो मार्जिन्स इंप्रूव करेगी निश्चित रूप से। मिस्टर ललित, क्या किस तरह के कंसर्न्स आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यूरोप में स्लो डाउन की जो बात की जा रही है, ग्लोबली जो एक स्लो डाउन की बात की जा रही है, आप किस तरह की हेडविंड्स यहाँ देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको? यूरोप की अगर बात करें, यूरोप में देखिए बेसिक कंसर्न अभी एनर्जी कॉस्ट को लेकर, एनर्जी कॉस्ट को लेकर इंडस्ट्रियल शट डाउन हो रही है और उसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हैं, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आ रही है, रेदर हमको एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमको वहाँ के इम्पोर्ट्स में, और ओवरऑल शेयर्स हमको जो एक्सपोर्ट्स का बढ़ता हुआ दिख रहा है यूरोप में भी। और अभी तक जो नॉर्थ अमेरिका और US की बात कर रहे हैं, जो स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, जरूर देखिए एक कॉशन है अंदर में, लेकिन ग्राउंड पे मैंने पहले भी कहा कि वो दिखाई नहीं दे रहा है और जब तक वो रियलिटी में नहीं दिखता है आप अभी बोल नहीं सकते कि भाई ये स्लो डाउन आएगा। और जहां तक सिग्नल्स जो मिल रहे हैं OEM से वो काफी स्ट्रांग है डिमांड के और हमें को हमारे को वहां पे ग्रोथ दिख रही है डिमांड।
खेतान साहब एक चीज आपसे और पता करनी है, आपने ना मैं ये तो नहीं बोलूंगा प्रण ले रखा है, लेकिन हाँ कम से कम कंपनी का फोकस इस चीज पे तैयार है कि हम जल्दी से जल्दी डेट फ्री हो जाएंगे, कर्ज मुक्त कंपनी हो जाएंगे। सर आप मेरे को जरा वो थोड़ी इसकी सिचुएशन बता सकते हैं, आप कहाँ तक पहुंचे हैं कि हो गया कर्ज मुक्त, इस साल में हो जाएगा, इस साल के दूसरे तीसरे क्वार्टर के अंदर, तीसरे चौथे के अंदर? हमने पहले भी ये अनाउंस किया कि हम 2025 तक हमने टारगेट ले रखा है कि हम डेट फ्री हो जाएंगे, और उस टारगेट पे हम कायम हैं और उस पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि 2025 में हम डेट फ्री हो जाएंगे। वेरी क्विकली मिस्टर ललित, क्योंकि हमने देखा कि पास्ट क्वार्टर्स में पहले आपने अपने स्टेक बढ़ाया है कंपनी में रिसेंटली, तो क्या फर्दर भी आप स्टेक बढ़ाएंगे? निश्चित तौर से, क्योंकि देखिए ये जो भी रिसेंटली हमने जो प्रमोटर को प्रेफरेंशियल वारंट इशू किए हैं वो एक डायरेक्शनल कदम था प्रमोटर इक्विटी 50% के ऊपर ले जाने के लिए, और हम आगे भी कोशिश करेंगे इस तरह इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स करके इस टारगेट को अचीव करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लालत आज समय देने के लिए और ये सारे वैल्यूबल इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। तो आरके फोर्जिंग के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे और वो अपने इंसाइट्स हमें शेयर करते हुए डेट फ्री 2025 तक कंपनी ने पहले एक लक्ष्य दिया था और जिस पर वो अब भी कमिटेड दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।